एवरीवन व्हाट्सअप एंड एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल मन नहीं था वीडियोस बनाने का आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम यूक्रेन। 4-5 दिन से आई एम नॉट स्टेबल मेंटली और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स स्टक डिएट, सो वेटिंग फॉर देम टू कम बैक। बट कुछ लोग हैं जो कॉन्स्टेंट चुल कर रहे हैं कि एंड दे वॉन्ट टू नो कि बच्चे पहले क्यों नहीं आए, जब उनको एडवाइजरी रिलीज करी गई तो वो क्यों नहीं आए। यूक्रेन स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारे प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हें पहले आना चाहिए था एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दिस वीडियो वॉज वेरी इसेंशियल एंड सो लेट्स फर्स्ट स्पीक अबाउट द एडवाइजरी जो 15 February को एडवाइजरी रिलीज हुई थी। दिस इज द एडवाइजरी। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ यूक्रेन, इंडियन नेशनल्स इन यूक्रेन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हु स्टे इज नॉट इसेंशियल मे कंसिडर लिविंग टेम्पररीली। सो इस लाइन के बारे में अगर मैं बोलूँ, इसमें क्लियर लिखा है कि जिन लोगों का रहना ज़रूरी नहीं है वो लोग प्लीज़ टेम्पररी बेसिस पे जा सकते हैं। गाइस हमारी कॉलेज स्टार्ट थी, मैं 23 की इवनिंग तक मेरी ऑफलाइन कॉलेज थी, मैं हॉस्पिटल में गया था। हाउ कुड आई लीव द हॉस्पिटल और कॉलेजेस एंड आई कम बैक टू इंडिया, जबकि टेम्पररी लीव उन्हें करना है जिनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे कॉलेज स्टार्ट थे, वाई शुड वी लीव दैट। एंड द अदर थिंग इज एम्बेसी ने अगर ये एडवाइजरी दी है दे शुड परफेक्टली से दैट कि हाँ तुम लोग जाओ, डोंट स्टे हियर। व्हाट इज दिट एडवाइजरी मीन कि जिनको जाना है वो टेम्पररी बेसिस पे जाओ, जिनका ज़रूरत नहीं है, या मुझे समझ में नहीं आई एडवाइजरी। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आई, दैट्स फॉर 20,000 स्टूडेंट्स आर स्टक हियर। फिलहाल के लिए आई विल स्पीक अबाउट एडवाइजरी ओनली। अगर किसी को कोई भी डाउट हो कि हम पहले क्यों नहीं आए, हमको पहले आना चाहिए था एंड ऑल दोज थिंग्स, दिस इज माई इंस्टा आई डी, यू कैन टेक्स्ट मी, आई आंसर ऑल ऑफ दोज थिंग्स। किसी को भी कुछ भी डाउट पूछना हो, आई कीप पोस्टिंग मोर वीडियोज, धीरे धीरे क्या अपडेट्स है, क्यों लोग परेशान कर रहे हैं एंड किस किस को क्या क्या दिक्कत है। सो स्टे ट्यून्ड।